और दिल्ली के शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा और अब उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अंदेशा जताया है कि कल मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है तो डर क्यों रही है। इन सब के बीच केजरीवाल ने सिसोदिया का मुवासना शहीद भगत सिंह से कर दिया है, जिसको लेकर सवाल उठ रही है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी हैज परफेक्टेड द आर्ट ऑफ ABCD, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर भ्रष्टाचार, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड डी फॉर डाइवर्शन। शराब की लड़ाई सत्यमेव जयते पर आई है, सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते। गली गली में आपकी शराब। अरविंद केजरीवाल, आप ये बताओ, आपने शराब नगरी बनाने की कोशिश की, आपने एक भी बस नहीं खरीदी, आपने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, आपका मुंह नहीं है कि आप दिल्ली से बात कर सके। शराब, सियासत और शहीद। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से सियासी संग्राम मचा है। सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीबीआई के दफ्तर में सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे। समन को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी मुखालफत जाहिर की है। नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी मुखालफत दर्ज कराई है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का मुवाजना शहीद भगत सिंह से कर दिया। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने मरकज के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई को दूसरा स्वतंत्रता संघर्ष बता दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद मुल्क को एक ऐसा वजीर तालीम मिला जिसने गरीबों को अच्छी तालीम देकर सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। शहीद भगत सिंह से मनीष सिसोदिया का मुवाजना करने पर बीजेपी ने केजरीवाल को कंस बताया है। अब अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए, खुद की तुलना आजकल भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, लेकिन आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है? कंस आप समझ गए ना, आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्हीं के इशारे पे सारी कठपुतलियां, इनकी तिजोरी भ्रष्टाचार के रुपए से भर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों की तुलना वीर भगत सिंह जी से करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। बीजेपी केजरीवाल एंड कंपनी को करप्ट बता रही है, तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उनके घर की तलाशी ले चुकी है और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे घर पर सीबीआई ने 14 घंटे तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई दफ्तर बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई, उस रेड में क्या मिला। सीबीआई ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं, ईडी ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। आज इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी के घोटाले की जांच पर इस देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियों के 400-500 अफसर लग गए हैं। दिल्ली के और देश के अलग अलग हिस्सों में ये रोज रेड करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मनीष सिसोदिया द्वारा एक रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत इतने दिनों में नहीं मिला। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को शहीद भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बता रहे हैं, तो सिसोदिया सत्यमेव जयते का नारा लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि आखिर सिसोदिया नोटिस से डर क्यों रहे हैं।
वही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। और इतने समझदार तो दुनिया भी है कि जब सीबीआई के पास मामला पड़ा हो तो सीबीआई के मामले के बाद कोई व्यक्ति अपने लॉकर में सामान रखता होगा, मुझे नहीं लगता, जो और खास तौर पे जो इतने एक्सपर्ट्स हो। सीबीआई के अलावा ईडी भी शराब घोटाले के मामले की जांच में जुटी है। मामले में ईडी ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 रियासतों में छापेमारी भी की है। ईडी ने हाल ही में मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीबीआई की जानिब से दर्ज एफआईआर में 14 लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जिनमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब के ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने के इल्जाम लगाए थे। जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इल्जामात को नकारती रही है और कई बार अंदेशा भी जता चुकी है कि जांच एजेंसियां कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में सिसोदिया को जारी नोटिस पर घमासान तो मचना ही था। अब नजर कल सीबीआई के एक्शन से पहले आम आदमी पार्टी की अगले कदम पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।